वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 3 के सिलेबस से यूजेस ऑफ वाटर। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू वाटर बता चुकी हूँ, उसका आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं यूजेस ऑफ वाटर। वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। तो अर्थ में 3/4 जो अर्थ है वो वाटर से कवर है, और इसीलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। और अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। वाटर हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और बहुत अदर जो थिंग्स हम करते हैं लाइक कुकिंग, वॉशिंग, बैथिंग, ड्रिंकिंग, इन सब के लिए हमें वाटर का ज़रूरत होता है। तो वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ वाटर, वेरियस यूजेज ऑफ वाटर। वाटर इज नेचर्स गिफ्ट फॉर ऑल लिविंग बींग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल थिंग फाउंड ऑन द अर्थ। तो वी नीड अबाउट 38 लीटर्स ऑफ वाटर डेली फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। तो हम अपना खाना बनाने के लिए, वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, हम बाथिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए, इस तरीके से बहुत अदर थिंग्स वॉश करने के लिए हमें ज़रूरत होती है वाटर की। और हमें किस किस चीज़ों के लिए वाटर की ज़रूरत होती है तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, लिविंग थिंग नीड वाटर टू सर्वाइव। तो लिविंग थिंग्स मतलब हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स, हम सबको जिंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है वाटर की। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके फंक्शंस के लिए वाटर ज़रूरी होता है, उसी तरीके से एनिमल्स को ज़रूरत होता है। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसके लिए प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है वाटर की। फिर ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू कुक फूड, तो हमें खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है वाटर की। इट इज़ यूज फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग, हमें अपने क्लोथ्स क्लीन करने हैं, वॉश करने हैं, और हमें हाउस क्लीन करना है, और भी कई चीज़ें क्लीन करनी है, वॉश करनी है, उन सब के लिए हमें ज़रूरत होती है वाटर की। प्लांट्स नीड्स इट टू प्रिपेयर फूड इन द प्रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और उसके लिए उनको एयर से ऑक्सीजन और वाटर की ज़रूरत होती है। सनलाइट तो उनको मिलता ही है, वो अपना फूड बनाते हैं, और यही प्लांट्स खा के हम भी ज़िंदा रहते हैं। तो इसलिए एक तरह से हमारे लिए भी इनडायरेक्टली प्लांट्स के थ्रू वाटर इम्पॉर्टेंट हुआ, डायरेक्टली तो होता ही है। देन इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स जो होते हैं जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो जो ये हमारी घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ये सब कहाँ से बनती है, इस ये बनती है वाटर से, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कहाँ चलता है, वाटर पे, जैसे शिप हो गया, क्रूज हो गए, बोट हो गए, याच हो गए, ये सब क्या होते हैं, मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सब कहाँ यूज़ होते हैं, वाटर में। तो एक तरह से वाटर यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देन इट इज़ होम टू एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। दो जो पानी में जानवर और प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनका घर होता है वाटर, लाइक फिश और एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर, तो उनके भी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है वाटर। वाटर एंड ह्यूमन बींग, वाई डू वी नीड टू ड्रिंक वाटर, हमें पानी पीने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। द बॉडी यूजेस वाटर इन मेनी वेज। वाटर हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड, इट कीप्स अवर बॉडी
कूल ड्यूरिंग समर बाय मेकिंग अस स्वेट. इट थ्रोज वेस्टेज फ्रॉम अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. इट क्वेंचेस अवर थर्स्ट. तो वाटर हेल्प करता है ब्लड बनाने में हमारे बॉडी में. जब गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा गर्म लगती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हमारे बॉडी को कूल रखने के लिए हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है. तो पसीना क्या होता है? वाटर ही होता है. तो अंदर हमारा बॉडी उससे कूल होता है, तो इसीलिए हमें गर्मी में ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पानी ज़्यादा बॉडी से बाहर निकलता है, इसलिए हमें प्यास लगती है. फिर हमारे बॉडी में जो वेस्ट होता है वो एज ए लिक्विड फॉर्म में, उसे निकालने के लिए एज ए यूरिन हमें ज़रूरत पड़ती है वाटर की. तो हमारे बॉडी से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस वेस्ट होता है वो किसके थ्रू निकल जाता है? यूरिन के थ्रू. इसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है. फिर हमें प्यास लगती है तो हमारे प्यास बुझाने के काम आता है वाटर. तो इस तरीके से ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वाटर. देन वाटर एंड प्लांट्स. तो प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी होता है वाटर? प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन वाटर इन मेनी वेज. प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. तो प्लांट्स जो होता है उसे ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल, मतलब ज़िंदा रहने के लिए और अपने ग्रोथ के लिए. तो मैंने पहले ही बताया कि प्लांट्स अपना जो फूड होता है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. जो कहाँ से मिलता है उनको? एयर से मिलता है, और वाटर की ज़रूरत होती है. तो वाटर उनके फूड प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है. दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन देयर लीव्स. और जो प्लांट्स हैं उन वो वाटर के थ्रू जो रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थ्रू वाटर. सो जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू नीड वाटर टू लीव. तो सम एनिमल्स जो जिन्हें जिनका घर होता है वाटर और जो पानी में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? एक्वेटिक एनिमल्स. तो द वर्ड एक्वा मीन्स वाटर. प्लांट्स एंड एनिमल डैट लीव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स रिस्पेक्टिवली. एनिमल्स डैट लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस. फ्रॉग्स एंड टोड्स आर एम्फीबियंस. हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. तो जो एनिमल्स लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर पे रह सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस. जैसे कि फ्रॉग. फ्रॉग आपको बाहर लैंड पे भी मिलेगा और फ्रॉग पानी में भी रहता है. तो ये हो गया एम्फीबियंस. तो यहाँ पे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स दिए हुए हैं जैसे कि डॉल्फिन, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, फ्रॉग, शार्क. द कंगारू रैट, अ टाइप ऑफ रैट, नेवर ड्रिंक्स वाटर. तो एक अमेजिंग फैक्ट आपको बताते हैं. कंगारू रैट एक तरह का रैट होता है जो कभी पानी नहीं पीता है. सो हमने डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर देखा. और वाटर के सोर्स क्या क्या होते हैं हमारे अर्थ पे? ओशियन, सी, रिवर, पॉन्ड्स, वेल, हैंड पम्प, टैप वाटर, समरसिबल पम्प से के थ्रू. तो ये सब क्या होता है? और नेचुरल सोर्स होता है रेन. तो वेल, हैंड पम्प, ये सब क्या होते हैं? अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के तरीके होते हैं. तो वाटर जो होता है रेन से जो वाटर आता है वो कहाँ? अंडरग्राउंड में जाके अर्थ में स्टोर होता है. और उसी वाटर को हम वेल, हैंड पम्प, समरसिबल पम्प के थ्रू यूज़ करते हैं. सो डोंट वेस्ट वाटर, है ना. वाटर हमें बचाना चाहिए क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है. विदाउट वाटर नो लाइफ इज़ पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ. अर्थ इज़ आवर प्लैनेट. ओनली अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है. सो अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.